तो राम राम जी, जय जोहार। सुबह के 7 बज चुके हैं और आज मैं आपको एक गजब की चीज दिखाता हूँ। देखो, ये है भाई रोहतास, जिसका घर देखो आप, चारों तरफ से एकदम खुला हुआ है। बरसात की धुंध आ रही है बहुत तगड़ी वाली और बस ये रजाई गद्दे हैं। पता है, ये सब तो चलो कोई बात नहीं, गरीबी है, जीवन है, चलता रहता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज दिखाऊं, उसके पास खुद के पास घर नहीं है, लेकिन उसने नीचे कुत्ती है भाई, एक कुत्ती है जिसने बच्चों को जन्म दिया है। ये देखो, ये इतने सारे कुत्ते हैं उसके नीचे। हो देख, रहने दो, मत निकालो, मत निकालो, रहने दो, दबा दबा दे, ढक दे ढक दे, ढक दे, सर्दी लग जाएगी उनको। तो आप ये देखो, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, जरूरी नहीं कि उसके पास पैसे हो। इंसान के पास खुद के पास घर नहीं है, लेकिन देखो कितने सारे कुत्ते, कितने सारे प्यारे प्यारे पिल्लों को उसने पाल रखा है। शानदार मेरे भाई, जबरदस्त घर। ये देखो, ये घर है इसका टोटल, ये कुछ फूटी सी पार्ट और ये भी देखो बिल्कुल ऐसी है, और उधर की साइड से देखो बिल्कुल फूटी पड़ी है, और खासकर सर्दियों के दिन है। अब सोचो इतनी भयंकर सर्दियाँ पड़ रही है, बरसात भी आ रही है, रात को बरसात भी आई थी यहाँ पे और आती रहेंगी। तो ये मानो यार, मैं तो दिल ही बड़ा मानता हूँ इंसान का। बाकी तो खैर जीवन है, हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है, दुनिया में हर तरह के गरीब होते हैं। तो ये मुझे गजब लगा इसका, ये कुत्तों को पालना ऐसी हालत में भी। तो आज हमारी चुन्ना आटा लगा रही है कि बेटा आटा लगा रही है। अरे वाह, गुटी दे दे, गुटी दे, लग रहा गुटी, लग रहा शाबाश, लग गुटी दे। अरे ये बात देख रही, आटा लगा रही चुन्ना देगी। अरे वाह। ये देखो, ले बस बस लगा ली, तो आठ ही वाटर लगा लिया, हट जा हट जाने। तो आज भाई चुन्ना आटा लगा रही हमारा। ले बस बस, रेंदे रेंदे रेंदे, अब रेंदे ना। तो रोटी बनाने से पहले हम लोग राख निकालते हैं इसके बाहर अंदर से, जितनी भी सारी राख होती है ना शाम के टाइम की, उसको बच्चे हमेशा वही हरकत करते हैं ज्यादातर, जो वो देखते हैं करते हैं दिन रात, तो वही चीज वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। फिर वो मैं न्याल लेके आई हूँ, एक गुलर है, गुलर के पत्ता, हमारी बेसन की लिए डालेंगे, ये हमारी सरसों है। आया मनु चलनी, मनु को टोपा खोलूगा, बहुत सारी लकड़ी पड़ी है, किसी के लिए चाहिए तो ले जाइए। ये हमारी भाभी है, बबीता है, घास बांध रही है। इतने सारे हमारे खेत हैं, सारे दिख रहे हैं, मूरे देख रहे हैं हमारे खेत में। मूरा ना मिल रहा है, चल मनु घर को चले। राम राम जी, शाम के बज गए 5:30, अब हम घर के लिए जा रहे हैं न्याल लेके। अतर मनु न्यार है, चलो थोड़ा सा न्याल लेके जा रहे हैं। आज हमारे पापा की तबीयत खराब है, सेवा के चक्कर में मेरे पापा डांगू भैंस को नहीं लेके गए आज, तो थोड़ा सा हम न्याल लेने के लिए आए आज खेतन पे। ये मेरी भाभी जी खड़ी है, चलो भाभी जी घर, चलो चलो मनु आया, मनु चलो, मनु चलो, चलो सुनो, चल ये हमारी सरसों कड़ी है, देखो कितनी शानदार लग रही है हमारी सरसों। सरसों कड़ी है,
बहुत लेट है, मैं थोड़ी सी मेथी तोड़ लूंगा सब्जी के लिए। ये हमारी मेथी है, जी हमारी मेथी है, जी हमारा लहसुन है, और लहसुन हमारा ये खड़ा है, ये लहसुन है, इतना सारा लहसुन करा है मैंने। चल भाभी चलो, आज मैं आपको मेरा गांव दिखाता हूँ। तो ये है गांव की कुछ पुरानी पुरानी बसावटें जो कि बहुत टाइम पहले की है। और कुछ ये देखो, हमारी साइड भी पहले ज़्यादातर पत्थरों के ही घर होते थे, मतलब कहने का मतलब वही कच्ची दीवारें और पक्के पत्थर, तो इन्हीं से चलता था काम, क्योंकि ज़्यादातर घर इसी टाइप के पुराने जितने भी बसे हुए। देखो पुरानी बसावट है जितनी भी सारे, जिनको हमारी साइड बोलते हैं पातौड़, बहुत सारी हमारी नॉर्मल नोकल भाषा में इसको बोलते हैं प्याटौड़, बाकी कुछ इस तरीके से ही। ये है कुछ पुराने बसावट, देखो जैसे मकान जो होते थे ना आज के टाइम पे बड़े बड़े, उस टाइम पे इस तरह की लंबी लंबी पातौड़ बनाते थे जो घर धन संपन्न थे, यानी कि जिनके घर में पैसे वैसे थे, वो लंबी लंबी पातौड़ बनाते थे इस तरीके की, जैसे एक जने ने कितनी सारी लंबी चौड़ी बना रखी है कुछ इस तरीके की। तो दोपहर को 2:30 बज चुके हैं और हम लोग आए एक टंकी पे नहाने के लिए। ऐसा है कि आज हमारे घर पानी ख़त्म हो गया, पता नहीं टंकी की नल किसी ने खोल के रख दिया तो सारा पानी निकल गया। सीन ये है कि हमारे पूरे गांव में इस तरह की टंकियां बनी हुई है बहुत ज़्यादा इस तरह की, जहाँ से नल लगे हुए थे, तो पूरा का पूरा गांव पानी पीता है इन्हीं टंकियों से। हर जगह आपको हर कॉर्नर पर 2-4 टंकियाँ मिली जाएंगी, लोगों ने लगा रखी है, इसको सेवा बोल सकते हो लोगों की, या फिर खुद के घर का काम भी चल जाता है इन्हीं से, क्योंकि यहाँ से नल लगा रखते हैं लोग डेली के लिए घर जाने के लिए। तो ये है कुछ मामला गाँव का। तो चलो नहा धो के पहुँचते घर, फिर करते घर का प्यारा सा ब्लॉग। तो अभी नहा धो लिए, नहा धो के घर जा रहे हैं, और ये हमारे गांव की पुरानी बसावट है जैसे मैंने पहले बताया था। तो पहले हम भी यहीं रहते थे, मतलब तो गांव के मोस्टली लोग पहले यहीं रहते थे, लेकिन अब छोड़ छोड़ के चौराहे की तरफ उधर की साइड चले गए, मार्केट की साइड। बाकी पुराने घर वगैरह बहुत सारी यादें जुड़ी हुई इन जगह से। आज बहुत दिन में देखो ना दिया यार, पहले तो आते रहे तुम यार। अच्छा। कहाँ रहे मित्र? यही रहे? कहाँ से? जमालपुर? अच्छा यहीं रुक रहे हो? अलवर रहे हो तुम? चलो बहुत बढ़िया। ऐसा था पहले तो पूरे गांव गांव में आते थे नादिया वाले, लेकिन आज बहुत दिनों बाद देखा है। पहले हर गांव में चक्कर लगाते रहते थे, हर 10 दिन में देख लेता था मैं इनको, नादिया को ले जाके मांगते थे। हाँ मित्र, खा ले को चून ले गो, ले चून दे दे थोड़ा सा। आ जा आ जा। कुछ शब्दों के देसी नाम जो जिंदगी भर हमेशा अमर रहने वाले हैं, जैसे कि हमारी साइड आटे को बोलते चून, और एक जगह मैंने एक बंदे से पूछा था कि आटे को कुछ और ही बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, लेकिन आपके यहाँ कुछ और बोलते हो ना आटे को, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना ताकि मुझे भी कुछ नया पता चल सके। बाकी कुछ नाम है जो ये कभी मिट नहीं सकते। खास लिया बेटा फूल? फूल खास लिया ही? अरे इतना सा फूल तोड़ दिए। हमने कहा सेंगरी वो रखी है बहुत सारी, सेंगरी जो लंबी लंबी फड़ी आती है, तो जैसे ही कोई फूल आता है चुना तोड़ लेती है। देखो ये अभी तो आ रहे, खैर 5-6 फूल, लेकिन जैसे ही कोई फूल आता है तुरंत से तोड़ लेती है। अब मत जा बेटा, बहुत है, गले टोली रहना है। नहीं तो रात को 11 बज चुके हैं, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसा है कि हालांकि टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, कोशिशें दोनों साइड से चल रही है, आपको दो दो जगह कवर कराई जा रही है, मेरे गांव की भी और राजकुमारी के गाँव की भी। बाकी तो आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आ रहे हो, और कुछ बंदे ऐसे हैं जो वीडियो को बिना लाइक करे चले जाते हैं, तो गलत बात है, लाइक का थम दबाने का कुछ नहीं लगता, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। चलो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी, जय जोहार।